माय नेम शहरोज राशिद। अब हम फिर आ गए बहुत लंबे और तवील ब्रेक के बाद और हमारे साथ हैं मिशाल सिद्दीकी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं ये, कोई 15,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, इनको फॉलो करें। नाम तो सुना ही होगा। नाम सुना होगा। क्या है आपका इंस्टाग्राम का हैंडल? मिचकूवे। Can you spell that for them? Yes, it's MITCHKOWA। और आप इनका इंस्टाग्राम फॉलो करें तो हमारा तो करते ही इनमें तरफ से बात है। पहले मेरा क्यों ये समझती है कि एक लड़की जो है ना वो सिर्फ घर में बैठ के गोल रोटी बनाएगी और कुछ नहीं कर सकती। क्यों ऐसा है? यार मैंने आज ही एक मैं इंस्टाग्राम देखा था, देयर वर टू लिटिल यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हु डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी एंड इंस्टेड दे स्टार्टेड यू नो थ्रोइंग आउट रेसिपीज ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया एंड ऑफ कोर्स उनको जब देसी आंटीज मिलती हैं, ओ आपके रिश्ते कैसे आएंगे, ओ आप यूनिवर्सिटी नहीं गई, दे वर टेलिंग देयर ओन स्टोरीज। आई जस्ट सॉ दैट अर्लियर टुडे ना, मैं बोला यार हैट्स ऑफ, दैट्स हाउ इट शुड बी डन। लाजमी नहीं है कि आप वही फैंसी यूनिवर्सिटी से ना बीबीए या एमबीए करके वही घर पे बैठ के ना अपने पेरेंट्स के ऊपर आप जीओ। सो आई डू नॉट, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, यू हैव एवरी राइट टू यू नो से योर थॉट्स ऑन दैट, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा एक वो भी तो होता है, आपके लड़के पीछे सालों के रिश्ते नहीं आए कोई भी, तब बेटा शादी कब करोगी? अभी शादी नहीं करोगी तो कब करोगी? करियर करियर क्या होता है? करियर कुछ नहीं होता लड़कियों का, लड़कियों का काम होता है सिर्फ खाना बनाना, रोटी बनाना। नहीं भाई, एक बंदी ने अपनी कंपनी खोल ली पूरी, मतलब शदीद पैसे छाप लिया ना बंदी, खाना बनाना नहीं। शादी कैसे होगी? रोटी कैसे खा, बाहर से नहीं करता काम? लड़के नहीं बना सकते? यार लड़के बना सकते, लड़के बनाते हैं खाना, लेकिन मतलब क्या मतलब है अगर खाना बनाने नहीं आता तो लड़की की शादी क्यों की? ऐसा तो देसी आंटी का मसला है ना, बात कर रहे थे कि लड़का ज्यादा क्यों नहीं कमा करता, अगर इस केस में लड़की कमा रही थी और लड़के को कॉम्प्लेक्स हो रहा था तो लड़का कमा ले भाई, थोड़ी और मेहनत कर ले। एक दिन कोई वीक में होना चाहिए जिस दिन हस्बैंड जो है ना वो घर के काम करेगा और लड़की जो है आइडियली इट शुड बी 3 and 4, यानी 3 दिन मर्द बने और 4 दिन औरत बने, या 4 दिन मर्द बने 3 दिन औरत बने, रोटेट कर सकते हैं। पाकिस्तानी मर्द सीरियसली, तो ये मैं एक चैलेंज दे रहा हूं ना मर्दों को कि भाई जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन अम्मा ही नहीं करने देंगी लड़कों की, हाय मेरा बेटा किचन में कैसे जाएगा? अच्छा मैं एक बड़ा ना वो अभी इस्लामिक रेफरेंस देने वाला हूं, तो डिस्क्लेमर दे रहा हूं, इसको भी मसला है भैया, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। नहीं म्यूट कर दी, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो लेट मी नो। शादी के बाद आई थिंक इट इज अ वाइफ्स राइट टू लिव विद हर हस्बैंड अवे फ्रॉम द फैमिली, ठीक है? आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे अगर गलत साबित करना है प्लीज बताइएगा, लेकिन सो दे हैव देयर राइट्स टू लिव अवे फ्रॉम द इन लॉज and yeah there you have a perfect situation. हाँ वहाँ तो यू एक बात नहीं समझ में आती, बाहर जो कपलोज रहते हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं हम, बाहर जो अब्रॉड रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, वहाँ पे दे आर वेरी फाइन विद कुकिंग एंड डूइंग ग्रोसरीज विद देयर वाइफ्स एंड यू नो वर्किंग एट होम। यहाँ मैं क्या हो जाता है? आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई, जो इन्फ्लुएंस होता है ना बड़ों का, तो 1900 वाला आप देखो तो वो है ना, अब दो लोगों की जिंदगी है तो वो दो लोगों को जीने दो भाई। अगर इवन भाई मैं किसी की माँ बाप को बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ अगर किसी की आइडियोलॉजी, किसी की लाइफस्टाइल और थिंकिंग आ रहा है उस कपल के बीच में, तो ऑब्वियसली वो दोनों ब्रेन वॉश भी होंगे, दोनों गलत राह पे भी जाएंगे, आपस में पटे भी होंगे। सो जो भी मसला है आई थिंक दैट शुड रिमेन बिटवीन टू पीपल। दैट्स राइट। अच्छा आपने शादी में, पाकिस्तान की शादी में कोई चीज एक्सपीरियंस किया है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है हर जगह जगह, बट मैंने रिसेंटली एक चीज मुझे बताई थी किसी ने कि दिस गर्ल वाज गेटिंग मैरिड एंड उसकी अम्मा वाज लाइक ना सब फैमिली वालों को फोन कर रही थी कि आपको गिफ्ट में क्या दूंगी,
Okay then. मैं तो बहुत demands करने वाला हूँ ऐसा होता है तो अगर हाँ मतलब all the relatives जो abroad रहते थे she was like अच्छा मुझे फलाना का number दे दो मैं उसको phone करके बताना है कि मेरी बेटी की शादी यार मैं 60 inch का TV चाहिए किसी को अगर देना हो मुझे शादी के लिए और अच्छा साथ में रेंट की भी obviously करते हैं ये इनकी कहने का मकसद यह कि ये बता रहे हैं कि ये single और available है तो अगर किसी को approach करना हो absolutely please reach out शहरोज राशिद बस हो गया मिशाल से देखिए मेरी कमाई मेरा घर मेरा ऑफिस मेरी मर्जी मेरा दिल मेरा बॉयफ्रेंड मेरा मियाँ जो भी करूँ मैं आपको क्या है मुझे समझ नहीं आ रही बात इनको कभी खुद बुरा नहीं फील होता कि कैसे लोगों की लाइफ में घुस रही है ये अच्छा एक और मसला भैया तुम जॉब करती हो अच्छा कहाँ जॉब करती हो आंटी मैं यहाँ जॉब करती हूँ बता दिया कहाँ सैलरी क्या दिया था तुम्हारे आंटी अच्छा कमा लेते हाँ कितना अच्छा कमा लेते मतलब कितनी सैलरी है क्या क्या मिलता है तुम्हें मंथली अच्छे बेनिफिट्स तो होंगे जी आंटी अल्लाह का शुक्र है गुजारा आ जाता है हाँ लेकिन फिर भी कितनी सैलरी है तुम्हारी 50 है उससे कम नॉट लेटिंग इट गो भाई मतलब आपका घर नहीं चलाना मैंने अपनी सैलरी से अपना चलाना है तो लाइफस्टाइल मेजर करना होता है ओ माय गॉड मेरे बेटे से ज्यादा खाटी खाटी शर्ट पहने हुए लड़की ने तो मतलब महीने में दो बार शॉपिंग करवानी पड़ती है लेकिन भाई हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं फेसबुक ग्रुप से होते हैं आज की काफी रिश्ते करा रहे हैं उनके साथ बैठ के थोड़ी चर्चा करेंगे क्या मसले होते हैं रिश्ते में क्यों नहीं होते मैं सोच रहा हूँ क्या मैं पूछा था तो I maybe this would be a continuation let us know what do you feel about it you want us to do it or not exactly yeah you want only us to talk more about these aunties or if any other more topics you have in mind let us know anything could be anything let us know and we're planning something really huge with this one so do stay tuned जिनको मसले होते हैं उन लड़कियों से जो अच्छा कमाई होती है और जो कॉम्पिटिशन नहीं बर्दाश्त कर सकते यार कॉम्पिटिशन करो मजा आएगा कॉम्पिटिशन करोगे पता चलेगा कैपेबिलिटीज क्या है साथ करना 1 2 3 बड़ो ये यार बहुत कुछ आता है उस कैमरे के सामने कुछ नहीं निकलता मैं पता है दो बार स्टैंड अप कॉमेडी भी की नहीं पता है तुम्हें आना आई हैव डन इट ट्वाइस इनके सामने बाय द वे फैंस वाज सेइंग इन मेक्सिकन सीन है ध्यान से देखिए इनमें शिंद्रिंदु मुझे तो और गौर से देखिए दो चश्मे ये तो लेजेंड है ना